राजकुमार यादव। ये बताइए सर कि आज कहाँ पर किस जगह प्रोग्राम हो रहा है, क्या आपने प्रोग्राम आयोजित किया, किस तरह का? ये जो बिजूर महाउत्सव का कार्यक्रम है उसमें जो है 11 खेलों का प्रतियोगिता हो रही है, उसमें कुश्ती का भी आयोजन है। ये हमारी कुश्ती जो है यहाँ पर हो रही है। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया आपकी कुश्ती टीम में? यहाँ टीमें नहीं है, यहाँ पूरे कानपुर और आसपास के जिले से जो है। कितने बच्चे होंगे फिर भी? करीब होंगे 70-80 बच्चे। कितने साल तक के बच्चों ने कुश्ती में हिस्सा लिया है? करीब 12-14 साल से लेके 25 साल तक, 30 साल तक, मतलब कैटेगरी 6 कैटेगरी रखा है इसमें। हमारे भारत में राष्ट्रीय कुश्ती की भी बड़ी अहमियत है, आप देखते भी हैं ओलंपिक हो चाहे जहाँ पे, कुश्ती के बहुत भारत में अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले। क्या मैसेज एक देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी बढ़ रही है, अच्छा खेल खेल रही है, युवा पीढ़ी बढ़ रही है। कानपुर की पहलवानी का एक इतिहास रहा है, पूरे देश में पूरे विश्व लेवल के पहलवान यहाँ पर हुए हैं, उसी को लेके युवाओं को, नौजवानों को, बच्चों को एक प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कुश्ती संघ एसोसिएशन के माध्यम से कि पुराना इतिहास कानपुर का लौटे हमारा। यहाँ पर पहलवान जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लाए। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं पहलवानी खोती जा रही थी, जैसे आपने बताया अभी आप पहले अखाड़े हुआ करते थे, अब अखाड़े कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या कारण है ये? अखाड़े अब है, काफ़ी अखाड़े चल रहे हैं शहर में। हम कुश्ती एसोसिएशन सेक्रेटरी भी है, उस माध्यम से काम कर रहे हैं करीब 10-12 साल से। तो अब करीब करीब कानपुर शहर के अंदर 10-15 अखाड़े चल रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं, पढ़ने लिखने वाले युवा नौजवान भी है, और यहाँ पर प्रैक्टिस स्टेडियम में भी कराई जाती है, गद्दे के उपलब्ध होते हैं, और जो है बच्चे हमारे स्टेट में भी प्लेयर लगा रहे हैं, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर सब में मेडल आया है। अब इनको जो है सुविधा और व्यवस्था हो जाएगी तो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के पहलवान यहाँ पर कानपुर में होंगे। महिलाएं भी यहाँ पर जो है दो बेड की महिलाएं भी भाग ले रही हैं, और महिलाओं में भी उत्साह पैदा करा जा रहा है कि जो लड़कियाँ हैं वो भी पहलवानी करें अपने आप को। सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी बड़ा ध्यान देती है, और आजकल की जो महिलाएं बेटियां हैं वो भी खेल पे कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, समाज के लिए जो है जागरूकता है, अपनी सुरक्षा अपनी व्यवस्था उससे जो है ठीक है, और आजकल खेल के प्रोत्साहन के लिए देश में भी काफ़ी उत्साह हो रहा है, और तमाम तरीके के प्राइजे हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, ओलंपिक, एशिया, सबके लिए सरकार भी सुविधा दे रही है। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि खेल की ओर बढ़े, ठीक है, और स्वस्थ रहे, बढ़िया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है, और जिस भी खेल में आप रहे ईमानदारी से